वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। क्या हिंदुत्व पर खतरा मंडरा रहा है? क्या हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रची जा रही है? साधु संतों पर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं? क्या ये किसी बड़े खतरे का आगाज है? इस तरह के तमाम सवाल इन दिनों हमारे देश के लोगों में साफ नजर आते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो एक हिंदू को इस तरह के सवाल करने पर मजबूर कर देती हैं। कभी साधु संतों पर हमला किया जाता है, कभी मंदिरों में घुसकर देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो कभी लव जिहाद, तो कभी धर्मांतरण। और अब तो उन लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। ताजा मामला वाराणसी का है, जहां सिगरा थाना क्षेत्र के मातकुंड इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की शाखा पर गुरुवार की सुबह किसी ने आत्मघाती हमला कर दिया। हालांकि यह हमला ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। बता दें कि आरएसएस अधिकारियों पर सुतली बम फेंका गया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। दरअसल सिगरा थाना क्षेत्र को दी गई तहरीर के मुताबिक गुरुवार की सुबह कुछ अराजक तत्वों ने शाखा पर सुबह सुतली बम की बौछार कर दी। संयोग से पहला दूसरा बम तो नहीं फटा, लेकिन तीसरा बम फेंका तो वो फट गया, जिससे मौके पर मौजूद कुछ शाखा के स्वयंसेवकों को बम के छर्रे लग गए और वो घायल हो गए। अब ऐसे में शाखा के लोगों में मौत का खौफ घर कर गया है। उन्होंने कहा है कि शाखा के सभी स्वयंसेवक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं घटना के बाद पुलिस अराजक तत्वों को तलाश भी कर रही है, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये एक लौता मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरह आरएसएस कार्यालय पर हमले हो चुके हैं। कई बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी तक दी गई है, और इसका ज्यादातर वजह उनकी हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं को मजबूत बनाने के लिए उनकी लड़ाई मानी जाती है, जो हमारे देश में मौजूद कुछ कट्टरपंथियों और वामपंथियों को हजम नहीं होती। लेकिन बड़े ही शर्मनाक बात है कि इसके लिए ना तो कोई नेता आवाज उठाता है और ना ही कोई जनसेवक। लेकिन यही धमाका अगर मस्जिद या मदरसे के बाहर हुआ होता तो आज धरने दिए जाते, आगजनी की जाती, लेकिन आज सब शांत है। और इस शांति के लिए पीछे इसके वजह क्या है, खबर पर अपनी राय और साथ ही इस पीछे की वजह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।